हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। हेलो चेक, सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को। मैं रितु सिंह एंड आज मुहूर्त बहुत भव्य मुहूर्त हुआ है। फिल्म दिल की बाजी इसका टाइटल है एंड संचिता प्रोडक्शन के थ्रू ये फिल्म बनेगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत भव्य पूजा हुई है, बहुत अच्छी बिगनिंग हुई है। तो बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसे ही एक माहौल बना रहे और फिल्म कम्प्लीट हो, आई विश। और ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन सारी टीम को, एक्टर्स को एंड द होल टीम। थैंक यू। सबसे पहले भैया चाचा माई बहन हो जाइए आप सब के ओके। हम गुंजन सिंह पैसे से प्रणाम कर नया फिल्म के आज मुहूर्त भैल बामनी के जेकर नाम बा दिल की बाजी। तो काफ़ी एक्शन मूवी और रोमांटिक दोनों है पिक्चर और अच्छा से बनेगा मुझे ऐसा लगता है। ऐसा टीम है, प्रमोद पांडे जी इसमें छायांकन कर रहे हैं और सारा टीम अच्छा है और बाकी रितु जी हैं हीरोइन में और सब लोग का आशीर्वाद ऐसी बना रहे पूरे पब्लिक का जैसे रहता है, बस फिल्म बन के कम्प्लीट हो जाए। रितु है फिल्म में लवली गर्ल कहा जाता है, हम लोग उनके साथ फिल्म करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, ये तो प्यारी हीरोइन है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए, शब्द नहीं मिल रहा। आज काम करती हैं और बढ़िया अच्छा लगता है। थैंक यू। तो हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और पहला बार यानी कि दो फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, लेकिन लगता है पहले बार यहीं पे हुआ था मुहूर्त, वो यहीं पे हुआ था, सेटर लग गई, शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये भगवान करे जल्दी शुरुआत हो जाए और हम दोनों जल्दी से आए पर्दा पर। अच्छा गुंजन, रितु सर पूछ बताइए कौन सा क्रीम लगाती है जिसको लवली गर्ल हो जाता है? कौन क्रीम लगावे लो हो? देखिए, जोने से लवली लगल जाला ना, वो क्रीम के सीक्रेट रखल जाला के वो ना लगा ले। अच्छा बुझाए। अच्छा, मैंने मार्केट में आइल बा कि ना? मार्केट में ही बता, तभी लगाओ था नहीं, मार्केट में हम बानी यही नाते। लेकिन अच्छा है कि फिल्म वो गाना हिट हो गया, मतलब लोगों को जज किया मेरे पे और हमारा जो भी परफॉर्मेंस था, जो गाने का मूड था, तो लवली गर्ल गाना ही लवली है, तो मैं इसमें बस फिट हो गई आप लोग के आशीर्वाद से। चलिए इधर, आपका झुमका भी हिट हो गया। कौन झुमका पे, कौन सा गाना है? अभी तो गाना नहीं आया कोई, लगाया हिट हो गया ना, हिट हो गया आए है। टचवुड, थैंक यू। तो झुमका पे वो गाना बन जाइए, एक लाइन बता दीजिए, एक गाना वो गाना अभी नया गाए हैं। अच्छा, हम हर कि तोहरा से सेट भइल हमारो बियाह बा, आ खोल के बता दा गलती कैले बाड़ू कहावा, आ केहू ओके दिलावा में धसल नहीं खू, का गारंटी बाकी दोसरा से फसल नहीं खू। कान बाज गिल हमारा, आजकल जरूरी है ना। मैं जवाब दू? देखिए, गारंटी मुझसे पहले ही पूछा गया है, का गारंटी बाद धोल बड़ू दूध से, तो गारंटी मैं देती नहीं हूँ, बस वेट एंड वॉच। जांच करे जो सोचे, बस सोच ले, कौन पाबंदी नहीं है, सोचल करा, खुश रहा। ठीक बात, हाँ बताएंगे। और अगला क्वेश्चन पूछिए, हाली हाली। हाँ, मेरा नाम चांद अख्तर है और मैं भोजपुरी फिल्म में आया तो सबसे पहले असिस्टेंट का काम करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर का, और आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुंजन भैया और रितु जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अरे थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और क्या आने वाली फिल्में हैं, कुछ बताना चाहिए? हाँ, आने वाली फिल्में हैं अभी किडनैप, उसके बाद मैं तेरा बॉयफ्रेंड,
तनी ज़्यादा चलत है सब बिहार में, पूरे देश में, इसलिए एक इस टाइप का फिल्म भी ज़रूरी है। और 9mm पिस्टल है, फिर ये नौटंकी बाद ये सब रिलीज होने वाली पिक्चर है। और बाकी भी दूगो तो हमने के ऋतु जी के साथ ही दो तीन को भी करे के बाद मुहूर्त भइल बा। हाँ भइल तो भी बैठ लिया बा कर है थिएटर का तो फिर अरे हाँ तुम कहते ना रोज मुहूर्त हो ना ना वो फिल्म हुई और जल्दी टाइटल लेके बतावल जाए। क्या नाम रहेगा? याद नहीं मुझे, काफी एक साल हो गया उस मुहूर्त। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा, छोटे बाबा का तो जवाब ही नहीं है। देखिए मैं रिदम में आ गई। हो सके गाना बन जाए इनका झुमके पाव के, फिर लवली होइए गई तो झुमका इस बार थोड़ा देखे झुमका। आपको दिखाई नहीं? तीन ताला झुमका लगा था गजब, पुरान माई दादी के जमाना के पहर के। बहुत सुंदर। मैंने कहा ना प्राइवेट रखने दीजिए कुछ बातें। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये अभी अभी इनकी शादी हुई है। प्राइवेट गर्लफ्रेंड तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं जाके आपको झुमका दिलवाऊंगी। चार तल्ला आपकी आपकी गर्लफ्रेंड के लिए। छोटे बाबा है म्यूजिक कर रहे हैं तो ऑसम होगा वो तो। अच्छा होगा। उनका लास्ट कौन सा म्यूजिक कर रहे? लास्ट कौन सा म्यूजिक है उनका, कौन सा गाना गाना? काफी अभी मैं टेढ़े मेढ़े प्रेम कहानी अभी हुई है और इच्छाधारी नाग अभी की मैंने, और भी फिल्में हैं जो अक्सर उनके गाने मेरी फिल्में होते ही हैं, और आगे भी जो फिल्में कर रही हूँ उनके गाने हैं जिसे। हाँ चाची आप क्या कहना चाहेंगी? अभी मार्केट में आई नहीं, रिलीजिंग पे इसके मैं रिवील नहीं करना चाहती। एक्चुअली मैं सर, मैं इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हमारे भाई लोगों ने हमें लॉन्च किया है तो इसका कुछ रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा, और साथ ही साथ गुंजन भैया हैं, रितु जी हैं, इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा हमें। गर्दा हुई गर्दा गर्दा होगा पूरा। क्या कहना चाहेंगे? एकदम बढ़िया होगा, गाना सब जबरदस्त कर जाए और स्टोरी भी अच्छा है। हाँ तो पूरा फिल्म अच्छा हुई, स्टोरी वो बहुत बेटर है। हमारे अनिल भाई जो हमको कहानी सुना है उसके बाद मैं दो तीन कहानी और सुना, लेकिन मुझे उसके अलावा कोई कहानी अच्छा ही नहीं लगा। तो मैं अनिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे दिया। अनिल विश्वकर्मा जी अच्छा लिखते भी हैं, और छोटू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में, बहुत सारा जिसका नाम नहीं बता पा रहे, बहुत सिकंदर पीछे उमेश भैया है और रंजीत भाई है ना पीछे, दिख रहे हैं क्या? उमेश जी कहाँ है? अरे हाँ पीछे हैं। हाँ, हाँ, आप ही राइफल उनका। उमेश जी हैं एंड इसपे बुद्धिराम विश्वकर्मा जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, एंड प्रमोद जी हैं फिल्म डायरेक्टर। तो अच्छा लगेगा काम करके, बिकॉज ये एक्सपीरियंस लोग हैं तो ऑब्वियसली सबका साथ सबका विकास। स्टोरी अच्छा बहुत प्यारी है, स्टोरी भी अक्सर प्यारी नहीं होती, बट बहुत मैंने ब्रीफ किया, बहुत अच्छी स्टोरी है। चांद के लिए बस एक बोलूंगी कि चांद सा रोशन चेहरा, चांद का दीदार हो रहा है। अरे हो रहा है, लाइट दिया है आपने, देखिए ना। चांद जी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और क्योंकि डेबिट जब कुक करता है ना तो मेरी अपनी दिन याद आ जाते हैं, हालत बहुत ख़राब होती है बाप, लेकिन ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको, और हम अच्छा, इनका जो करेक्टर है फिल्म में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इन दोनों का जो तिगड़म है, पर तिगड़म ही है इस फिल्म में पूरा ओवरऑल, मार खा भी है ना वो तो फाइट मास्टर है, तो आप लोग तोड़े जाएंगे उस पर ना। हम लोग तो मारते हैं तोड़ते हैं ना, ये तोड़ेंगे आपको, आप उनको तोड़ेंगे ना, ऐसा कुछ होता और ही है। और भी लोग तो फिर का हो जाए फिल्म में, इसमें तोड़ूंगी नहीं मैं बहुत इसमें शालीनता वाला लिए हुए हैं, जो आएगा देखा जाएगा। हाँ बताइए, हीरो टूटने को तैयार ही नहीं है, मतलब पिटने को तैयार नहीं तो कैसा हीरो? नहीं भाई, हम लोग तो एकदम बिहार के हैं, हम लोग तो सबसे पहले तारा पर हमला हुई सबसे पहले बचावल जाए तारा, वो सब कहा था पिटल करा पिटल करा। नाइस नाइस। हाँ जी, मुद्दा चल रहा है हैदराबाद में रेड्डी के साथ हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि जो हुआ है उनके साथ वो बहुत ही सोच के परे है, अनएक्सपेक्टेड है, जो क्योंकि बलात्कार होना अपने आप में बहुत ही बड़ा एक श्राप है। और हालांकि मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, क्योंकि अभी चीज़ें जो भी बीती दिनों में हुई हैं वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है जान पे हमला था, लेकिन वो चीज़ें वो क्या उसमें महसूस की होंगी, और
क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोगों को तो तुरंत ही वही करना चाहिए जो उन्होंने किया। लोग कहते गोली मार दो, मैं कहते जला दो। मेरी यही राय है कि जो लोग ऐसे जो अटैम्प्ट करते हैं ना, उनको तुरंत ही वैसा ही डील करो, तुरंत फांसी पे लटका दो। और कोई ही उपचार है ही नहीं इन लोग का, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक चीज़ें डील कर रही हूँ और आप लोग सब जानते हैं, उस चीज़ को मैं अभी नहीं ओपन करूँगी, एक टाइम आएगा ओपन भी करूँगी। और बस यही है कि उसे ख़त्म ही करो, तभी आगे के लोग सीखेंगे उसे कि इसका रिस्पॉन्स होता क्या है। खुलेआम 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 उसको काट दिया जाए। थैंक यू। हर हर महादेव। नहीं नहीं, हमारा पहला फिल्म है दिल की बाजी और हमारी दो देवा। और पहले जो हम लोग शूट करेंगे दिल की बाजी का, जिसमें हमारे गुंजन जी हैं, और सेकंड हीरो में हमारे चांद भाई, और हीरोइन में ऋतु सिंह जी हैं, और इसमें हमारा विलन का करेक्टर है। और जो है दूसरा फिल्म है, इसके बाद हम लोग शूट करेंगे। इसके होने के बाद अभी उसमें हीरोइन का डिसीज़न नहीं हुआ है, इसको होने के बाद में डिसीज़न होगा। हाँ, विलन हम सबसे पहले, हम गोलू शर्मा पूरा भोजपुरी समाज के पैर छू गए बोल रहा करी। हम यूपी कुशीनगर से बानी। हमने के हम पहले गाना गावत रहनी, तो हमने के मन भल के हमने फिल्म बनावल जा। तो बहुत खुशी के बात बा कि हमार बड़ भाई चांद अख्तर जी, हमने से भेंट भल चांद अख्तर जी से, तो कहनी भाई फिल्म बनाओ लोग। तो हमने के मन में वो बात हमने के दोनों भाई विचार बनौने के, ओका से बम्बई आने के, तो गुंजन भैया जी के और ऋतु जी के लेकर अपन फिल्म बनाओ तनिक। बहुत खुशी के बात बाकी आज आप सबके सामने पूरा पब्लिक के सामने हमने के कुछ कहे का मौका मिलता, तो ऐसे बढ़िया हमने खाते खुशी की बात, बहुत खुशी की बात बा। हमार बड़ भैया इतना बड़ा गायक गुंजन भैया जी और ऋतु जी हमार फिल्म के हीरोइन बानी, आई में हमहूँ छोटा मोटा रोल करतनी, अच्छा लगे, बहुत खुशी के बात बा। पहले हम गाना गावत रहनी, और गाना गौले के बाद हमने डायरेक्ट बम्बई आने के, यहाँ आने के चांद भी अली आके आनी। तो हमने चाहे अच्छा से अच्छा फिल्म बने, हमने के पहला फिल्म हमने के बाटे, हमने काफ़ी मेहनत करते हैं फिल्म बनावे खातिर। तो हमने पहला फिल्म दिल के बाजी बनी, तो रिलीज होने के बाद हमने के दूसरा फिल्म के हमारे हीरो देवा के, वो में हमने के दो आदमी हीरो बने के, चांद भैया और हम दोनों हीरो बने के। बस आप सबके प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलत रहे, बहुत खुशी के बात बाकी आज हम बड़का भैया के साथे बैठल बनी और ऋतु जी के संगे बैठल बनी, बहुत खुशी के बात बा, बहुत अच्छा लगा। बस कोई नया प्रोड्यूसर आता है, नया कोई कलाकार आता है, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है, कैसे देखते हैं आप लोगों को जो उत्साहित होते हैं फिल्म बनाने के लिए, कैसे आप? हम लोग सबसे पहले कहानी देखते हैं, अच्छा कहानी रहता है, चाहे नया रहे चाहे पुराना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जी, अच्छा कहानी हो और सारे टेक्नीशियन अच्छे हो और जो हीरोइन हो या फिर जो भी और भी कास्ट है सब अच्छे हो, और नए हो तो एक दिन तो सब नया ही रहता है, इसलिए सबको ले कर चलना पड़ता है और अच्छा ही होता है, भगवान की कृपा सब अच्छा ही होता है। नया साल में बहुत अच्छा होगा, अभी तो बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर आ रही है, जैसे ये है और भी किडनैप है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, ये सब पिक्चर की अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर वर्क कर रहे हैं, ऐसी कोई फिल्म बनाना है, ऐसे भी मार्केट थोड़ा सा अभी हॉल का जो चल रहा है उसके अनुसार से थोड़ा सा बढ़िया पिक्चर बनाने की कोशिश में है, अच्छा बने और मार्केट में आए, पब्लिक के बीच में जैसे कि उसको पसंद किया, जैसे नसीब आया, जैसे लोग पसंद किए वैसे ही खुददार आया, इसी टाइप का पिक्चर बनाया जाए। होता है कि लक मिलता है सबका, सब जाके फिल्म निर्माण होता है, क्योंकि ऐसी दुनिया है फिल्मों की, क्योंकि एक लक ही क्रैश होता है तो जाके इंसान काम कर पाता है। एंड बहुत आई एम थैंकफुल कि ये लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और
अच्छी कास्टिंग थी आपको, और मैं भी बहुत थैंक यू उन लोग बोलूँगी कि और बेस्ट विशेज बोलूँगी कि फिल्म सिलेक्ट हुई और अपना बेस्ट दूंगी इस फिल्म को, और एज ए डेब्यू की फिल्म से कर रहे हैं काफ़ी लोग, तो उनके लिए आप लोग के लिए मेरी बेस्ट विशेज हमेशा है। थैंक यू, थैंक यू। बस क्या कहना चाहेंगे फैंस को? एक आप सबके उके पैर छुके प्रणाम बा, और सबके हो ऐसी आशीर्वाद बनेले रहे जैसे कि हमारे गाना सब सुना था लोग, जैसे फिल्म देखा था लोग, और सब कोई आगे बढ़े, सबका विकास हो, क्योंकि एक छोटी सी जिंदगी है इसमें सब लोग आगे बढ़े, खुश रहे और मिलजुल के सब लोग चले और फिल्म एल्बम को आते रहेगा। सब लोग एक परिवार है, एक छोटा सा इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें सब लोग मिलजुल के काम करें और आगे बढ़ते रहें और सबका आशीर्वाद मिलते रहे। जय हो। नमस्कार। ये फिल्म बहुत स्पेशल है मेरे लिए, आई थिंक जिसमें गुंजन जी है और रितु जी हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है और बहुत अच्छे डीओपी है, आई थिंक वो डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम ही अभी आ रहे हैं वो, तो उनके साथ मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और इस फिल्म में मैं सेकेंड लीड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए। थैंक यू। ऑफकोर्स चांद जी यू नो काफ़ी हैंडसम है और आई थिंक बहुत टैलेंटेड भी है, तो अच्छी बात है कि भी भोजपुरी में यू नो हैंडसम हीरो भी आ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। हाँ हाँ, वो मैं काला टीका लगा देती हूँ। जी सबसे पहले तो आप मीडिया भाई सब लोग को, मेरे दर्शक को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं जसवंत कुमार, और आज बहुत ही शुभ घड़ी है कि जो है दिल की बाजी फिल्म का नाम है, और जिसके मतलब निर्माता जो है बुद्धिराम विश्रमा जी हैं, विवेक शर्मा जी हैं, और हमारा भाई चांद जो है, हम लोग साथ में पहले भी काम कर चुके हैं, और एक यंग टीम मतलब जो कि इतना अच्छा लग रहा है, ये दूसरी भी फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म भी मैं कर रहा हूँ जो है, उस फिल्म का नाम है हमार हीरो देवा, और दोनों फिल्मों में भाई लोग ने हमको मतलब सेलेक्ट किया है एक अच्छा अभिनय के लिए, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम आज ये सब मिल के और दो दो फिल्म की प्लानिंग किए, तो इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशी की बात है, और सबसे खुशी की बात है कि इसके जो डायरेक्टर और डीओपी हैं प्रमोद पांडे जी, हमारे बड़े भैया जैसे हैं, और हम काफ़ी काम उनके साथ में कर चुके हैं, और आज जब देख रहा हूँ कि आप उनके मतलब डायरेक्शन के भी उसमें जो है हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मल्टी टैलेंटेड मतलब बहुत अच्छे वो निर्देशक के रूप में भी वो अपनी पारी खेलेंगे, और फिल्म टीम ने देख ही रहे हैं मतलब दिल की बाजी में जो कि इस समय गुंजन सिंह जी काफ़ी मशहूर मतलब सिंगर चल रहे हैं, और पहले भी उनकी कई फिल्में आई हैं, रितु जी हैं, सायना जी हमारे बाजू में बैठे हैं, हमारा भाई चांद जो है इसमें जो है, सब एक टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, डेफिनेट ये काम बहुत अच्छा होगा, और हम सबको ये काम करके मतलब अच्छे से अच्छा किया जाएगा, सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि साइना जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और दूसरी बात यह है कि मुझे अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी फिल्म में मौका मिला था एक्टिंग का, तो क्या बात है, जसवंत भैया की फिल्म का शूटिंग हो रहा था वांटेड, उसमें मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला था, 20 सेकेंड का ही मेरा रोल था, लेकिन गाँव में पूरी आग की तरफ फैल गई वो मेरी सीन, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये हमारी फिल्म में हमारे साथ खड़े हैं, और इनका हमेशा सपोर्ट मुझे मिलता है, बिल्कुल मैं इनको अपना एक मार्गदर्शक मानता हूँ एकदम, मेरा पूरा दिल से छोटे भाई जैसे हमारे चांद भाई, और चूँकि देख ही रहे कितने स्मार्ट हैं, तो भले हम खलनायक के रूप में आएंगे लेकिन हैं दोनों भाई, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करके, और विवेक शर्मा जी हैं, बुद्धिराम विश्रमा जी हैं, प्रमोद भैया हैं, सब लोग मतलब एक अच्छी टीम बनी है, गुंजन जी रितु जी सबके साथ में मतलब काम किया जाएगा, अदर जो और भी इसमें हैं मतलब सब अच्छे अच्छे कलाकार काम कर रहे हैं, और सब मिलके एक अच्छी फिल्म बनाया जाएगा, अच्छा काम किया जाएगा, जो कि हमारे दर्शक भाई को मतलब
पसंद बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक यू। एक साथ में लेकिन पहले हमारा हीरो देवा के मतलब कि बाद में शूटिंग हुई होकर पहले दिल की बाजी मतलब पहले शूटिंग हुई और रिलीज भले के बाद हमने के ये फिल्म में दोनों भाई हीरो बने के और पूरा पब्लिक का आशीर्वाद बांटे। आप गाना भी गाते हैं जी, तो कोई हिट गाना चाहिए सुनाना? गाना एक हम गाए थे, सेट सॉन्ग गाए थे RCM म्यूजिक से, आपको सुना रहे हैं। बताबो मोहब्बत जगा गईलू काहे, अरे बताबो मोहब्बत जगा गईलू काहे, लगाबी के मर हम भुला गईलू काहे, अरे नहिया के सपना जगा गईलू काहे, अनहिया के सपना जगा गईलू काहे, लगाबी के मर हम भुला गईलू काहे। क्या बात, क्या बात। चांद जी आप क्या कहना चाहते, दूसरी फिल्म का जो अनाउंसमेंट हुआ है? दूसरी फिल्म का ना ये है कि सबसे पहले हम लोग दिल की बाजी का शूट करेंगे, जस्ट उसके ख़त्म होने के बाद हम लोग हमारे हीरो देवा का शूट करेंगे, उसमें मैं लीड कर रहा हूँ और मेरे अपोजिट मेरे भाई हैं। अभी इस फिल्म का हीरोइन थोड़ा सा वो नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम लोग ने हीरोइन का फोटो डाला ही नहीं है। इस फिल्म में हमारे विराट भाई और हमारे गार्जियन समान जसवंत भैया है, इनका काफ़ी योगदान है, बहुत योगदान है, बहुत ज़्यादा। और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग एक के बाद एक फिल्में बनाते रहें बस। और मेरे बगल में खड़े हैं JP सिंह नाम है इनका, मैं इनके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी इनसे मेरी फ़ोन पर बात होती है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैंने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे ताकि हम लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल जी। बस सर क्या कहना चाहेंगे, जो दो दो फिल्मों का ये शुभारंभ किया गया है? भाई सबसे पहले राम भाई तो मैं आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह सशक्त रूप से अपने कार्य को करते रहें। और जहाँ तक सवाल आज इस बात बताया, मैं इस बच्चे के बारे में बताऊँ, चांद के बारे में, 2 साल पहले जसवंत भाई की फिल्म करने मैं बस्ती गया था, वहीं से बच्चे से मुलाकात हुई थी, तो जो कार्य कर रहा था ये बताया मुझे, हमने कहा बेटा चांद तो बिल्कुल हीरो मटेरियल है यार, तो मुस्कराया है ये। और आज देखिए भगवान कृपा से वो शुभ घड़ी आ गई, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जो है इस बच्चे को आशीर्वाद रूप में लग गया। और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इन्हें वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो साहस, हिम्मत दे जिससे ये कामयाबी का झंडा गाड़ सके बच्चा। और साथ में विवेक जी हैं, इनके लिए भी हमारी शुभकामना आशीर्वाद। और साथ में जसवंत भाई की तो भाई बातें अलग है, ये तो किंग मेकर हैं। तो बाकी सबको हमारे तरफ से शुभकामना आशीर्वाद और ईश्वर से प्रार्थना कि इस पूरी टीम को कि ये फिल्म अच्छी बने, अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी चले और इंडस्ट्री में बच्चों का नाम हो, यही शुभकामना है मेरी। धन्यवाद गुरु जी, आज आपने धूमधाम से मुहूर्त करवाया, पूजा पाठ करके दोनों फिल्मों की क्या शुभकामना, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जो ये बना रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और दोनों पिक्चर हमारा हीरो देवा और दिल की बात को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये भगवान की कृपा है अपने ऊपर कि जो भी पिक्चर का मुहूर्त कराते हैं वो सुपरहिट होती है, चाहे मैंने उनको सैन चुन लिया हो, चाहे पवन राजा हो, चाहे गदर हो भोजपुरी, जो भी पिक्चर का कराए मुहूर्त सुपरहिट होती है। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसमें जितने हीरो हैं, जितने कलाकार हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, सबके बहुत ही अच्छा हो और ये पिक्चर सुपरहिट हो, मैं बहुत बहुत काम शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम आप आइए। चांद भाई आपसे बात करें, गुरु जी ने जो पूजा कराया और जिस तरह से उनका आशीर्वाद दिया, क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी के बारे में सबसे पहले मैं गुरु जी को आशीर्वाद लेना चाहूँगा और गुरु जी के बारे में हमें छोटू जी ने बताया था, छोटू भाई ने, तो इन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छा बात कहा, समझ रहे ना। और दोनों फिल्म हम लोग एक के बाद एक स्टार्ट करेंगे, बस यही प्लानिंग है। मैडम आप क्या शुभकामना देना? मैं शर्मिला डे आप सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ। और रही बात गुरु जी की, तो ये बात सच में, गुरु जी जहाँ कदम रखते हैं वहाँ तो खैर जय विजय हासिल होना ही है, रिद्धि सिद्धि हासिल होना ही है। और कामना के साथ साथ हम सब का यही रहेगा दुआ कि हमारे जो हीरो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत ही मेहनत दिल से किसी चीज़ को जब ठान लेते हैं हम, तो कामयाब तो होना ही है। और उम्मीद करते हैं कि
ये भी कामयाब होंगे, और अगर एक प्रोड्यूसर कामयाब होता है तो पूरा टीम कामयाब होता है, पूरी मूवी कामयाब होती है, पूरी कायनात कामयाब होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.